मेरठ के गौवंश का कटा सर पुलिस के लिए आफत बना हुआ है। आपको बता दें कि मुंडाली थाना क्षेत्र के गढ़ रोड के पास ईक के खेत में गौवंश के अवशेष मिले, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। गाय के कटे सर को सड़क पर रख कर उन्होंने जाम लगा दिया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। मेरठ गढ़ रोड पर सिरसौली के पास जंगल में एक निजी स्कूल है। इसी स्कूल से सटे ईक के खेत में गौवंश के अवशेष मिले। मौके पर मीट तौलने वाला इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी था, जिसके बाद वहां भीड़ एकत्र हो गई और हंगामा कर नारेबाजी करने लगे। तो वहीं सैकड़ों की भीड़ ने रोड पर गौवंश के अवशेष रखकर जाम लगा दिया। भावनपुर और मुंडाली थाना क्षेत्र पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया। आपको बता दें कि SP देहात केशव कुमार का कहना है कि गौ कसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान गढ़ रोड पर 3 घंटे जाम में रहने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।